आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सेब पौधों की एक ही बार में कैसे प्लांटेशन, ग्राफ्टिंग, नोचिंग की जा सकती है। इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ। यह मेरा अर्ली रेड वन का प्लांट है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ग्राफ्टिंग यूनिट कितने अच्छे से हील अप हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राफ्टिंग यूनिट कितने अच्छे से हील अप हो चुके हैं। यह मेरा अर्ली रेड वन का प्लांट है, इसे मैंने मार्च 2020 में टॉप वर्क किया है और मार्च 2020 में टॉप ग्राफ्ट किया है और इसी साल मैंने इसमें नोचिंग भी की है और नोचिंग का जख्म आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और नोचिंग करने के बाद बहुत ही अच्छा शूट डेवलप हो रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह नोचिंग का बेहतर परिणाम हमें मिल सकता है। जो दूसरे ग्राफ में मैंने नोचिंग की है, आप देख सकते हैं नोचिंग के बाद अच्छा शूट डेवलप हो रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बागवान भाइयों, यह मेरा रेड लव एरा का प्लांट है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ग्राफ्टिंग यूनिट अच्छे से हील अप हो रहे हैं और अच्छे से हील अप हो चुके हैं। इसे मैंने मार्च 2020 में ग्राफ्ट किया है और रेड लव एरा जो वैरायटी है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो टॉप ग्रोथ की लीफ्स है चमकीली और लाल होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यह देखें टॉप ग्रोथ की लीव्स कितनी चमकीली और लाल होती है। यह मेरा रेड लव एरा का प्लांट है, इसे मैंने मार्च 2020 में ग्राफ्ट किया है और यह मेरा प्रोन का मार्च 2020 का ग्राफ्टिंग प्लांट है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम सेब पौधों की एक ही बार में प्लांटेशन, ग्राफ्टिंग, नोचिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने दिसंबर 2019 के फर्स्ट वीक में यह सीडलिंग प्लांट किया था, मार्च 2020 में ग्राफ्टिंग किया और इसी साल 2020 में मैंने इसमें नोचिंग दी और नोचिंग करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि नोचिंग करने के बाद इसमें शूट डेवलप हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नोचिंग का जख्म। बागवान भी आप भी इस तरह कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के दिसंबर में आप सीडलिंग प्लांट करें, नेक्स्ट ईयर मार्च में ग्राफ्ट करें और नेक्स्ट ईयर में ही आप नोचिंग करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बागवान भैया, यह मेरा मैनम स्टार का प्लांट है, यह सीडलिंग भी मैंने दिसंबर 2019 में प्लांट किया और मार्च 2020 में ग्राफ्ट किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राफ्टिंग यूनिट अच्छे से हील अप हो चुका है और इसी साल 2020 में मैंने इसमें नोचिंग भी की और नोचिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि शूट डेवलप हो रहे हैं और नोचिंग का निशान आप देख सकते हैं। तो बागवानों, आप भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं और बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और वीडियो में आप जो ये प्लांट देख पा रहे हैं, जो मेरा गालावाड का प्लांट है, इसे मैंने सिंगल लीडर सिस्टम से डेवलप किया और इसमें आप जो बेहतरीन डेवलप हुई ब्रांचें देख पा रहे हैं, इन्हें भी मैंने नोचिंग के द्वारा ही डेवलप किया है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रांचें डेवलप कराने के लिए हमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप नोचिंग कर सकते हैं और आपको भी बेहतर परिणाम मिल सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नोचिंग का जख्म अभी तक है और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में कितने अच्छे और बेहतर बीमे डेवलप हुए हैं। यह देखें कितने बेहतरीन बीमे डेवलप हुए हैं। आप भी नोचिंग करें और नोचिंग करने के उपरांत आप भी नोचिंग का बेहतर परिणाम ले सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यह मेरा रेड ब्लॉक्स का प्लांट है, इसे भी मैंने नोचिंग के द्वारा डेवलप किया है और जो ये ब्रांच देख रहे हैं भी मैंने नोचिंग के द्वारा ही डेवलप किए हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि हमें हिम्मत मिलती रहे और हम अपना एक्सपीरियंस आपके लिए शेयर करते रहें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।